दोस्तों फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा ये प्रोफाइल है और मैं इसी अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूं। तो आपको इस अकाउंट को लॉगिन करके रखना है और उसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहां पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको डिलीट करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों न्यू अपडेट के बाद सब कुछ बदल चुका है। अब आपको डिलीट करने के लिए कहीं से ऊपर में ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब आपको डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन में जाना होगा, अकाउंट सेंटर के ऑप्शन में। इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ और दोस्तों आपको भी उसी तरीके से क्लिक कर देना है। दोस्तों ये न्यू अपडेट है और इतना जल्दी डिलीट नहीं होगा अकाउंट। अब आपको अंदर में थोड़ा और जाना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन में। आपको भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिख जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको ऊपर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, आपको जो करना है वो ध्यान देना है। डीएक्टिवेशन और डिलीशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा डीएक्टिवेट अकाउंट और नीचे दिखेगा डिलीट अकाउंट। दोस्तों डीएक्टिवेट अकाउंट पे आप कुछ देर के लिए अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। आप फ़ोटो वगैरह अकाउंट को सर्च लिस्ट से हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। आपको इस पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये पूछ रहा है रीजन कि आप किस रीजन से अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो आपको इसमें से एक रीजन दे देना है। तो मैं यहाँ पे एक रीजन दे देता हूँ, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, तो मैं ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता हूँ इसलिए मैं इस अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। ये मैंने रीजन दे दिया है एग्जाम्पल के लिए। अब कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पूछ रहा है, ये कुछ इस जो मैंने रीजन दिया है उसके बारे में थोड़ा पूछ रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से दोस्तों आप मैसेज वगैरह डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, गो टू अचीव लॉग में जाके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके और उसके बाद दोस्तों आप अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ और भी करना है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है इस अकाउंट का, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों देखते हैं कि अभी भी और भी कुछ पूछता है या नहीं पूछता है। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखते हैं कि क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके इस अकाउंट को डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा आपके अकाउंट फेसबुक से। लेकिन उस पर मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर फिर भी इसे लॉगिन करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। मेन मतलब क्या है कि दोस्तों आपको 30 डेज तक यहाँ पर आपको इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, इस अकाउंट का आईडी और पासवर्ड नहीं डालना है कहीं पे भी, ना आपको आपके फ़ोन में और ना ही किसी के भी फ़ोन में, वरना ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और ये अकाउंट आपका डिलीट नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि 30 डेज के अंदर आप इस अकाउंट को लॉगिन कहीं पे भी ना करो। इसके अंदर आप लॉगिन करते हो तो ये एक्टिव हो जाएगा और अकाउंट डिलीट नहीं होगा, फिर से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।